आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय मित्रों, मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं कक्षा UKG बोगी छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एकता में बल। एक समय की बात है, कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। उड़ते उड़ते उन्हें नीचे खेत में खूब सारे अन्न के दाने बिखरे नजर आए। तभी उनके सरदार ने कहा, नीचे उतरकर उन दानों को चुगो। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, पर वहां चिड़िया पकड़ने वाले बहेलिए ने जाल बिछा रखा था। सभी कबूतरों के पैर जाल में फंस गए। सभी कबूतर घबराकर हिम्मत हारने लगे, पर उनके सरदार ने हिम्मत नहीं हारी। उनके सरदार ने सोचा और कहा, सुनो साथियों, ये जाल मजबूत है, पर हमारी एकता की शक्ति को ये नहीं हरा सकता। अगर हम अपनी अपनी चोंच से इस जाल को दबा के उड़ जाएं, तो हम बहेले के चंगुल से बच सकते हैं। यह सुनकर सभी कबूतर अपने सरदार का इशारा पाते ही वहां से उड़ गए। उनके पीछे पीछे बहेलिया दौड़ता दौड़ता गिर पड़ा। कुछ ही दूरी पर पहाड़ के पास कबूतरों के मित्र चूहे बिल में लेते थे। सभी कबूतर जाल के साथ चूहों के बिल के पास उठ गए। कबूतरों ने चूहों को सारी बात बताई। चूहों ने मिलकर कुछ ही समय में जाल काट दिया। सभी कबूतर फिर से आजाद हो गए। कबूतरों ने चूहों को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर हम एक साथ काम करेंगे तो मुश्किल